Hello students, welcome to the digital classroom of Lalbagh Girls Inter College. I'm Mrs. R. Singh. मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है. उनका चैप्टर 2 कंटिन्यूड है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आज वो समझेंगे कि योजना क्या है और पंचवर्षीय योजनाओं के क्या उद्देश्य हैं. इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी थी. अब आप ये समझेंगे योजना किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, कोई भी काम करने से पहले हम उसका एक प्लान बनाते हैं. वो प्लान बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है. आप भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो आपका बहुत सारी चीज़ों को आप दिमाग में रख के अपनी प्लानिंग करते हैं, जिसमें टाइम फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कितने समय में कोई काम करना है. उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में अगर हम योजना की बात करें तो योजना इस चीज़ की व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए. योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना होता है. भारत की योजनाएं 5 वर्ष की होती हैं, इसीलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता है. पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं. पहला, समृद्धि. दूसरा, आधुनिकीकरण. तीसरा, आत्मनिर्भरता. और चौथा, समानता. समृद्धि से क्या अर्थ है? समृद्धि का अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना. देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना. दूसरा है आधुनिकीकरण. इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी अपनाना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना एवं सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना. तीसरा है आत्मनिर्भरता, यानी हम इंडिपेंडेंट बने. इसका अर्थ है देश को प्रत्येक क्षेत्र, खास करके कृषि के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त उत्पादन करना चाहिए, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, ताकि हमारे आयात कम हो सके. और चौथा है समानता. समानता का आप जानते हैं अर्थ, यानी बराबर का. इसका अर्थ है प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाने में हर भारतीय समर्थ होना चाहिए. इसके बारे में और डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.